हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आपका दोस्तों। सुन ले एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कंटेंट अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए ना तो स्पेशली मेरे को बता दीजिएगा कमेंट करके कि भाई रीजन क्या था कि जो आपको पसंद नहीं आया। गाइज, मेरे चैनल पर मिलती है आपको अपकमिंग मोबाइल से रिलेटेड सारी सारी इन्फॉर्मेशन। जितने भी मोबाइल ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाले होते हैं, या यूं कहें कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसे मोबाइल्स हैं जो कि ये कहें कि आप पुराना लास्ट स्टॉक निकालने के लिए काफी अच्छे हैवी डिस्काउंट के साथ मार्केट में उन्हें जल्द ही लॉन्च किया जा रहा है गाइस, जो कि 2 महीने पहले होने थे। ठीक है, तो गाइस मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड करी थी, या यूं कहें कि कल एक वीडियो अपलोड करी थी मैंने सैमसंग गैलेक्सी के F51 मोबाइल पे, क्योंकि सैमसंग जो है ना हर मंथ एक ना एक सीरीज लॉन्च कर रहा है टाइम टू टाइम। और मोस्टली सैमसंग अब ऐसा करने वाला है कुछ कि अभी तक आपने जो देखा होगा कि काफी सारे जो मोबाइल थे ना सैमसंग के स्पेशली, वो काफी हाई रेट पे सेल हो रहे थे, लेकिन अब अफोर्डेबल प्राइस पे वो लॉन्च होने वाले हैं गाइस। तो उसी से मिलता जुलता आज मैं एक मोबाइल और आपके लिए लेके आया हूँ, सैमसंग का ही, सैमसंग गैलेक्सी का A53 5G मोबाइल है गाइस। काफी टाइम से लोग इसका ऑलरेडी वेट कर रहे थे, जैसा कि आपने देखा होगा कि सैमसंग ने ऑलरेडी अपना 71 हो गया, 42 हो गया, F51 हो गया, ये काफी सारी सीरीज थी जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और कुछ होने वाली है इनमें। ठीक है, जिसमें से F51 जो कि नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होने वाली है गाइस। तो काफी सारी ऐसी सीरीज हैं जो कि ऑलरेडी लॉन्चिंग के लिए सैमसंग ने क्यू के अंदर रेडी कर रखी है। सैमसंग गैलेक्सी जो मोबाइल आने वाला है बेसिकली, उसके स्पेसिफिकेशन को एक बार हम नजर मारेंगे कि हमें किस फीचर के साथ ये अवेलेबल, और ये बिलीव करना मेरी बात को, वीडियो पूरी देखना है एंड तक। काफी अच्छे खासे अट्रैक्टिव इंप्रेशन के साथ, लुक के साथ और फीचर्स के साथ ये मोबाइल लॉन्च होने वाला है गाइस। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मोबाइल के अंदर प्लस पॉइंट। सबसे पहले तो आपको यहीं पे गुड न्यूज मिलती है सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से आपको, कि ये जो मोबाइल है ना, अभी तक आपने एंड्रॉइड V11 पे सुना होगा, ये एंड्रॉइड V12 के साथ ही लॉन्च होगा। बात कर लेते हैं दूसरी कि भाई इसके अंदर प्रोसेसर यानी चिपसेट कौन सा आने वाला है। काफी सारे मोबाइल में ऑलरेडी, जैसा कि आपने देखी होंगी मेरी प्रीवियस वीडियो, तो सैमसंग गैलेक्सी के अंदर स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक डायमेंसिटी हो गया, लेकिन इस बार कुछ नया कर दिया इन्होंने, साइनोसोज 1200 जो कि 5G है। सैमसंग गैलेक्सी का ये अपना ही चिपसेट है, ठीक है, साइनोसिस सिंपल सा बंडा है भाई, कुछ नया हमेशा लेके आ रहा है। हालांकि बात करें स्नैपड्रैगन से तो थोड़ा डाउन ही है ये चिपसेट। बात कर लेते हैं इसके अंदर कैमरे की गाइस, आपको यहाँ पे ओवरऑल कैमरे कितने मिलने वाले हैं। तो आप ऑलरेडी वीडियो के अंदर लुक देख रहे हैं कैमरे की, कैमरा काफी अच्छा है मोबाइल का, इवन मोबाइल भी काफी अच्छा है। ठीक है, ओवरऑल जो मोबाइल के अंदर आपको कैमरे मिलने वाले हैं, 4 कैमरे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैन कैमरा आपको 64 MP का होगा, ये जो डिटेल्स है ये लीक हो चुके हैं। 64 MP का मैन कैमरा है जो कि प्राइमरी कैमरा जिसे हम बोलते हैं। सेकंड कैमरा आपका 12 MP का है, बाकी आपका कैमरा 2 MP का एंड 5 MP का होगा। 2 MP का साइड में एक छोटे सा देख रहे हैं ऑलरेडी, ये उसका छोटा सा कैमरा, हालांकि इसे कैमरे की तरह देखा नहीं जा रहा। बात कर लेते हैं दूसरे कैमरे की गाइस, सब फ्रंट का कैमरा आपका जो होगा 16 MP का आएगा, एंड साइड में इसके साथ ही साथ आपको 5 MP का कैमरा और मिलने वाला है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 कैमरे यहाँ पे मोबाइल के अंदर मिलने वाले हैं। फ्रंट का कैमरा अगर आप देख लोगे तो इसमें 1 कैमरा दिख रहा है, बाकी दूसरा कैमरा नहीं दिख रहा, लेकिन वो इनबिल्ड है, कुछ नया है इसके अंदर। स्क्रीन की बात करेंगे, स्क्रीन काफी अच्छी है, पहली चीज इस मोबाइल के अंदर मेरे को ये अच्छी लगी है। हालांकि अगर ऐसे ही लॉन्च होता है तो 16.56 इंच की इसकी स्क्रीन होगी, अमोल्ड स्क्रीन के साथ ये ऑलरेडी लॉन्च होने वाला है मार्केट में। गोरिल्ला ग्लास या प्रोटेक्शन से मिलेगा आपको, प्लस पॉइंट आपका यहाँ भी है, यानी टेम्पर्ड का खर्चा बचेगा भैया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर हम इसके अंदर के, भाई वीडियो कितने 30 FPS पे, कितने FPS पे लॉन्च हो रही है, 30 FPS पे होगी, सेम वही पे वही फंडा है गाइस। 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, अभी अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन कहीं कुछ वेबसाइटों पर ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है कि 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन 4500 mAh की बैटरी यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, 45 मिनट के अंदर आपका जो मोबाइल है 0 से 100% उसकी बैटरी फुल चार्ज होने आने वाली है। डुअल सिम आप इसके अंदर यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाइब्रिड है पूरा का पूरा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके अंदर स्टोरेज कितना होगा, बिना स्टोरेज के मोबाइल बेकार है। 128 GB की इंटरनल स्टोरेज भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बढ़ाना चाहें मेमोरी कार्ड यूज कीजिए अपना, जितना होगा 1 TB तक आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट और बहुत जरूरी, प्राइस क्या रहेगा इसका, लॉन्चिंग कब रहेगी। प्राइस अभी जो इस मोबाइल का बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 24,990 रुपये, ये एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है। लॉन्चिंग डेट फेब के लास्ट में ये मोबाइल आपको देखने को मिलने वाला है, यानी ऑलमोस्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये मिड में भी आपको मोबाइल देखने को मिल सकता है। अभी जो फिक्स डेट इसकी अभी अनाउंस नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कंपनी अपनी हाइड करके रखती है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा।
जो डिटेल्स लीक हो जाती हैं उनकी इंफॉर्मेशन जैसे ही मेरे पास आई जस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कराई। अगर देखा जाए ना तो काफी सारी वेबसाइटों पे ऑलरेडी ये मोबाइल लास्ट मंथ में ही अपडेट हो चुका था कि ये इस पिछले लास्ट मंथ में लॉन्च होना था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया काफी सारे ऐसे मोबाइल हैं जो कि नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होने वाले हैं अब एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ गाइस। इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको काफी अच्छे ऑफर्स इस मोबाइल या यू कहीं इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूँ गाइस। तो गाइस मोबाइल ओवरऑल अच्छा है और प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्राइस में भी मेरे को कंफर्ट लगा है 24,990 रुपये में। अगर सैमसंग का कोई भी मोबाइल बाय करना चाहेंगे या किसी भी कंपनी का तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अमेजोन से बाय कीजिएगा। एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो भी वहां से कीजिएगा, फ्लिपकार्ट की तरह पंगा नहीं है गाइस यहाँ पे। ओवरऑल मोबाइल मेरे को काफी अच्छा लगा, आपको इस मोबाइल के अंदर क्या अच्छा नहीं लगा है कमेंट कीजिए, लुक वाइज देख लीजिए, ले आइए अपने ओडीटी मोबाइल कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही था, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।